हरावती कुमारी, ममता कुमारी, मोनिका भारती, सचिता कुमारी, देवंती कुमारी, जानकी कुमारी, सुनसुती कुमारी, दीपशिखा, प्रियंका कुमारी, सोनम कुमारी, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अब मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करूंगा कि यहाँ संबोधन देकर चान्हो कौशल कॉलेज की छात्राओं का उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में नर्सिंग कॉलेज के छात्राओं को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंत्रिपरिषद के हमारे सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा कल्याण विभाग की तरफ से शिक्षा ग्रहण कराकर नर्स बनाने के भूमिका में निभाने वाले सभी सम्मानित सदस्यगण और सभी नर्सिंग कॉलेज के छात्राएं, आप सब लोगों को आज के इस नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण समारोह में मैं अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार भी करता हूं। आज काफी हर्ष का दिन है, विशेषकर हमारी बच्चियों के लिए जो आज एक नई जीवन की शुरुआत कर रही हैं नर्स के तौर पर, और
आज हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर अपने राज्य के अलावा पूरे देश के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य सेवा की कड़ी में एक और कड़ी जोड़ने की भूमिका निभाएंगी। आज यहाँ एक सौ ग्यारह छात्राएं जो A&M की पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं, आज वो पूरी तरीके से अपने एक प्रोफेशनल जीवन में जाएंगी, जिसकी परिकल्पना शायद ये सभी बच्चियां अपने जीवन काल में करती रही होंगी। प्रेजा फाउंडेशन विगत कई वर्षों से इस राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने की शिक्षा दे रहे हैं और आज इनके कुशलता की वजह से आज इन्होंने अपना पहला बैच के बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही ना नहीं दिया बल्कि उनकी रोजगार की भी इन्होंने व्यवस्था करते हुए ये नियुक्ति पत्र बच्चों को यहाँ दिया गया। और प्रजा फाउंडेशन ने स्वास्थ्य सेवा में आज एक बड़ी कड़ी जोड़ा है। इससे पहले भी कोरोना संक्रमण में इन्होंने वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज हमारे राज्य में स्थापित किए, कई कौशल विकास कार्यों से ये जुड़े हुए हैं, कई बच्चों को विभिन्न संस्थानों में नौकरियां भी प्राप्त हुई, रोजगार भी उनको मिला है। आज प्रजा फाउंडेशन को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में काम कर रहे हैं। आज प्रजा फाउंडेशन की तरफ से जो बच्चे आज यहाँ उपस्थित हैं, ये चान्हो नर्सिंग कॉलेज के बच्चे हैं, लेकिन ये सिर्फ चान्हो में ही नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं बल्कि रांची, गुमला, चायबासा, सरायकेला, साहेबगंज में भी बच्चे, हमारी बच्चियाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। उनकी बारी अभी नहीं आई है, उनका शिक्षा अभी, उनकी अभी जो भी ट्रेनिंग है वो सारी अभी चल रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द वो भी किसी ना किसी संस्थान से जुड़ेंगी, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है ये बच्चे जिनको अभी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया है, ये सभी बच्चे देश के विभिन्न कोने में जाएंगे
कोई पुणे जाएगा, कोई बेंगलोर जाएगा, कोई मुंबई जाएंगी, इस तरीके से कोई दिल्ली जाएंगे, विभिन्न जगहों पर। और इनकी जाने की तिथि 3 तारीख को सुनिश्चित है। 3 तारीख को ये बच्चे यहाँ अलग अलग अस्पतालों में जा कर के और बड़े अस्पतालों में से गिने जाने वाले अस्पताल जैसे अपोलो है, ये Cloud 9 है, इस तरीके से इन सब अस्पतालों में ये बच्चियां जाएंगी। ये काफ़ी हमारे लिए गौरव की बात है। मैं हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहता था कि आज हमारे राज्य की बच्चियों की एक पहचान बहुत अलग तरीके की बनी हुई थी। जिस समय मैं पहली बार बतौर मंत्री के रूप में यहाँ पर आया था 2011-12-13 के समय में, तो उसमें हमेशा ये हमारे जहन में आता था कि हमारे देश के कई राज्य हैं जहाँ की महिलाएं, जहाँ की बच्चियाँ बड़े पैमाने पे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। विशेषकर अगर हम उधर साउथ की बात करें, केरल की बात करें, चेन्नई की बात करें, उस तरफ की बच्चियां अक्सर इस नर्सिंग के क्षेत्र में आपको ज़्यादा दिखेंगी। मैं हमेशा ये सोचता था कि हमारी बच्चियां और दूसरे राज्य की बच्चियों में फ़र्क, बाकी बच्चियां देश में नर्स के रूप में और हमारी बच्चियां दाई के रूप में जानी जाती थी। लेकिन अब इस प्रयास से ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाला समय में हमारी बच्चियां भी देश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी और विभिन्न क्षेत्रों में एक अलग अपना पहचान बनाएगी। ये मुझे आशा है भी है और उम्मीद भी है। आज इस कड़ी को बढ़ाने में HDFC बैंक भी काफ़ी अहम भूमिका में रहा। इनका भी योगदान रहा है। और पैकेज के बारे में तो प्रजा फाउंडेशन की तरफ से आपको बताया भी गया। मुझे जो बताया गया है कि प्रत्येक माह 15,000 मानदेय के रूप में प्राप्त हुआ बच्चियों को, और अभी 21,000 रुपये का आपको प्रति माह के दर से नियुक्त किया जाएगा। और मुझे लगता है कि हुनर जैसे जैसे बढ़ेगा, आपकी सैलरी भी निश्चित रूप से बढ़ेगा। बहुत सारे अस्पताल में कार्य होते हैं, OPD से ICU से लेके ऑपरेशन थिएटर तक, सभी जगह अलग अलग स्किल के लोग उपस्थित होते हैं। उनकी ग्रेडिंग, उनकी स्केल, उनके तनख्वाह में भी फर्क होता है। और निश्चित रूप से आप लोग अपने स्किल को और निखारते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने भविष्य को और सुनहरा बनाने में आपकी आज की ये प्रशिक्षण जो प्रजा ने दिया है वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और विशेष नहीं कहते हुए बहुत बहुत फिर से मेरी तरफ से शुभकामनाएं नए जीवन के नए पैदान शुरू करने के लिए, और उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को पुनः मेरी ओर